हम कोई भी चीज़ खरीदने से पहले ये देखते हैं कि वह सुंदर है कि नहीं, देखने में सुंदर हो तभी खरीदते हैं। हम 2 रुपया ज्यादा खर्च कर सकते हैं, लेकिन मेरा सामान अच्छा होना चाहिए। हमको तो सजना सवरना बहुत पसंद है, लेकिन देखिए हम अपने घर को भी बहुत अच्छे से सजा के रखते हैं। जब हम मंडी लेकर सब्जी लेकर जाते हैं तो गदीदार कहता है कि भैया थोड़ा सा फ्रेश करके लाइए, थोड़ा डंटल कम करके लाइए। तो सही बात है भैया कि जो दिखता है वही बिकता है। इन सभी बातों में एक समानता है, वो है सुंदरता या सबसे अच्छा, जिसकी मांग सभी जगह होती है। सुंदरता से मेरा मतलब केवल इंसानी चेहरों के सुंदरता से नहीं है, बल्कि हर वो चीज जो देखने में सुंदर हो या आकर्षक हो उसकी मांग ज्यादा होती है। चाहे वो आपके हाथ में दिख रहा मोबाइल फोन हो, आपके स्टाइलिश कपड़े हो, या फिर आपके रोज के जिंदगी में काम आने वाला कोई सामान। लेकिन आज हम जिस सुंदरता की बात कर रहे हैं वो जरा हटके है। आपको लूप तो पता है ना? हाँ हाँ, वही लूप जिसमें अब आपकी सब्जियां आसानी से बाजार तक पहुंचती हैं और बिकती हैं। अब जरा सोचिए, अगर थोड़ी सी और मेहनत करने से अगर आपकी आय में बढ़ोतरी होती है तो आप करना चाहेंगे कि नहीं? ये क्यों नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो हम लोग का इनकम बढ़ेगा बाजार में। अगर हमारा इनकम बढ़ेगा तो हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। हम तो किसान हैं, मेहनत से कौन घबराता है? आप बताइए तो सही, हम मेहनत करने के लिए तैयार बैठे हैं। जी हाँ, मेहनत तो सब किसान करते हैं, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत सीधे सीधे उनकी आय को बढ़ाता है। चलिए आज हम देखते हैं कि कैसे सब्जियों की सही तरीके से कटाई तथा छटाई करके एवं उसे सही तरीके से पैक करके हम उसे ज़्यादा दाम पर बेच सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि बाज़ार में किस तरह की सब्जियों की मांग ज़्यादा होती है। यहाँ जो व्यापारी आते हैं छोटा कोबी खोजते हैं, हम साफा समझे, उसमें भी साफा रहेगा तो 1-2 रुपया किलो टाइट मिल जाएगा, और कोबी में रगड़ फगड़ नहीं, एकदम साफ। छोटा कोबी गाँव की लेता है, बड़ा कोबी नहीं लेगा, छोटा कोबी 2 ले लेता है, 24 बेचे छोटा लेगा, 20 बेचे बड़ा नहीं लेगा। गोभी का जो व्यापारी हमारे पास जो आता है ना, वो छोटा फल का मांग ज़्यादा है, बड़ा फल का मांग कम है, छोटा का 1-2 रुपया तेज मिलता है, बड़ा का कम बिकता है। चलिए अब हम देखते और समझते हैं कि गोभी की तुड़ाई, छटाई और पैकिंग का सही तरीका क्या है। अपने खेत में लहलहा रहे गोभी की इस फसल को तोड़ते समय हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि गोभी को हमेशा उसकी जड़ से 2 से 3 इंच छोड़कर काटना चाहिए, जिससे उसे रखने और पकड़ने में आसानी होती है। इसे काटने के लिए सामान्यतः हंसिया या चाकू का प्रयोग करना चाहिए। जड़ से काटने के बाद 3 से 4 डंठल को छोड़कर बाकी के डंठल को काटकर अलग कर देना चाहिए। शुरुआत में जब गोभी नया नया बाजार में आता है तो उसमें 7 से 8 डंठल लगे होते हैं, क्योंकि उस समय उसकी मांग बाजार में ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे सब्जी की मात्रा बाजार में बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इसके डंठलों की संख्या भी कम होती जाती है। ज़्यादा डंठल रखने का एक फ़ायदा यह भी होता है कि जब यह अंतिम विक्रेता के पास पहुँचता है तो वह उसके एक परत को निकाल देता है, जिससे गोभी का फूल बिल्कुल तरोताज़ा दिखने लगता है और इससे उसे उस फूल का ज़्यादा दाम मिलता है। इस प्रकार गोभी की उत्पादकता के अनुसार उसकी डंठलों की संख्या को रखें, फिर उन डंठलों के पत्तियों को बगल से काटकर अलग कर दें। अब आप देखेंगे कि आपके खेत में सामान्यतः 3 तरह के गोभी के फूल दिखाई देंगे। पहला, छोटा कड़ा एवं खूबसूरत फूल, दूसरा बड़ा लेकिन कड़ा और अच्छा फूल, और तीसरा जिसका फूल थोड़ा छितराया हुआ होगा। अब यह ज़रूरी है कि आप तीनों को अलग अलग बोरे में या भक्कू में पैक करें। शुरुआत में आपको यह लग सकता है कि तीसरे तरह के फूल का मूल्य आपको कम मिलेगा, जो कि बिल्कुल सही भी है, लेकिन ऐसा करने से आपके पहले और दूसरे तरह के गोभी के फूल का दाम उसके अनुपात में ज़्यादा मिलेगा, जिससे अंततः आपको फायदा होगा और गद्दीदार को भी आप पर भरोसा रहेगा कि आपके बोरे या भक्कू में 1 तरह का फूल होता है, जिससे वह आपकी सब्जी का अच्छा मूल्य देने में नहीं झिझकेगा। और इस तरह की छटाई आप केवल गोभी ही नहीं बल्कि अन्य सब्जियों जैसे कि बैंगन, टमाटर, मटर इत्यादि में भी कर सकते हैं। छटाई के बाद पैकिंग भी इसका एक महत्वपूर्ण चरण है।
गोभी को हम लोग नेट के बोरे या भक्कू में पैक करते हैं। पैकिंग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले भक्कू या बोरे में अगल बगल से गोभी रखना चाहिए और उसे बिल्कुल सटा कर रखना चाहिए। अगर दो फूलों में ज़्यादा जगह होगा तो बाजार ले जाते समय गाड़ी में रगड़ खाकर उसके फूलों पर दाग हो जाएगा, जिससे उसका दाम कम हो जाएगा। इसलिए इसे सावधानीपूर्वक पैक करना चाहिए। भक्कू या बोरे में फूल को रखने के बाद उसके ऊपर पेपर या पत्ती रखकर ठीक से उसका सिलाई कर देना चाहिए, ताकि इससे फूल निकले नहीं। एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि गोभी के फूल हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए, जिससे कि बाजार ले जाने में उसका नुकसान न हो। गाड़ी में रखते समय भी हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि बोरा या भक्कू सही तरीके से रखा गया हो। आड़े तिरछे या गिरा कर रखने से आपके फूल रगड़ खाकर दागदार हो जाएंगे, जिससे उसका मूल्य कम हो जाएगा। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर अभी भी आप लूप से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत अपने नज़दीकी एग्रीगेटर से संपर्क करें या लूप के हेल्पलाइन नंबर 011-395-9595-3 पर संपर्क करें। आज ही लूप से जुड़कर आप भी एक सफल किसान बनने की दिशा में अपना कदम रखें।